इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीव के जतन के लिए मानो भगवान नाम के दो अक्षर प्राप्त हो गए। दो निर्मल नयन मिल गए भरत जी को। कर्म की कुशलता का आधार प्राप्त हो गया। पद चरण चरण पद आपको स्मरण होगा। चरण से बना है आचरण। जीवन कैसा? महापुरुषों जैसा। महाजनो येन गता सपन्था। तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयः विभिन्ना नैको ऋषिर् यस्य मत प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सबन्धा। इति महाभारत शांति पर्व। कोई तर्क प्रतिष्ठित नहीं है। चरण पादुका ही क्यों? क्यों? अयोध्या का राज सिंहासन जिसका है उसकी पादुकाएं रही। स्वरूप सरकार यहां है, उपाधि यहां रही, रहेगी, उपस्थिति रहेगी, अवस्थिति रहेगी। इसी को मान्यता कहते हैं। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, मान्यताओं को मानिए, न मानने से भला नहीं होगा। अब तो रहे नहीं, एक लेखक हुए, चले गए, वो यमलोक चले गए। उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा हनुमान जी आतंकवादी थे। अपने देश में एक सुविधा है, जितनी मूर्खतापूर्ण ज्ञान बघार लीजिए उतनी आपकी चर्चा हो जाएगी। और चर्चा में रहने के लिए न जाने जीव क्या क्या करता है। श्री हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, श्रेष्ठ पायक हैं, मां के अंजनी लाला लायक हैं। श्री हनुमान जी जैसा साधक भया नहीं, पुत्र भया नहीं, सेवक भया नहीं, पायक भया नहीं। श्री हनुमान जी के पास अपना कुछ है ही नहीं, जो है सब राम का है, इसलिए पूरी दुनिया पूजती है, पूरी दुनिया पूजती है। हमारे जीवन में ये घटना घटे, हम भगवान के। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कह रहा हूं, आप इतने लोग सुन रहे हैं, चलो नहीं तो दो लोग तो ऐसे होंगे, हम लायक बने, पायक बने, अपने प्रभु के लायक। श्री हनुमान जी भय, हम अपने घर में ही लायक हो जाएं। एनी हाउ, कैसे भी, जैसे भी नहीं, कैसे भी। हनुमान जी ऐसे भैया भरत जी, प्रभु ने दिया पादुका, गदगद हो गए, लिए। मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ चरणों में गिरकर प्रणाम किए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। और मेरे सरकार आज बाहर जलो मोचत बारी देखी दशा सुर सभा दुखा। ऐसा भ्रातृ प्रेम धर्म जीना सिखाता है, धर्म मृत्युलोक से जाना सिखाता है।
इसलिए धर्म के चरण को पकड़े रहना है, इस पर चलना है। धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। धर्म जागना सिखाता है, भागना नहीं। तो मैंने आपको प्रार्थना सुनाई थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल। जागो जागो, हम जगे, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। इसका एक अंतरा बड़ा मधुर है। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले, इसके लिए सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो भगवान मेरा, संसार के लिए हो यह जिंदगी हो, लेकिन उपकार के लिए हो भगवान मेरा जी। इस बार राम कथा हो रही है, अगली बार रामलीला देखिए। हाँ, रामलीला। हमारे आदरणीय वाजपेयी जी हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, गणमान्य लोग यहाँ विराजे हैं। प्रातस्मरणीय पूज्य रसाचार्य श्री रामस्वरूप जी महाराज के दिव्य रामलीला का दर्शन करिए, क्या अद्भुत लीला करते। ओ, मैं तो 6-6, 8-8 घंटे बैठे देखता रहता हूँ, ऐसी लीला करते। और ओ, राम कथा, रामलीला, भागवत कथा, कृष्ण लीला, हरि लीला, अरे देखत चलो, देखत चलो। नित खर चलो मनवा गैल सकरी सा, भरत भैया को भगवान विदा नहीं करना चाहते। भरत जी जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा है, जाना ही पड़ेगा। बंटवारा हो गया है, बंटवारा किसका है? दुख का। आप श्रेष्ठ हैं, भक्त हैं, तो भाई के दुख का बंटवारा करिए, प्रॉपर्टी का नहीं। दुख को बांटो, दुख बांटिएगा, दुख घटेगा, सुख बढ़ेगा। दुख आना ही चाहिए, जैसे रात आनी चाहिए वैसे दुख आना ही चाहिए। अरे भाई, सबके पास नहीं आएगा तो एक एक के पास रह जाएगा, वो तो बेचारा दबी जावेगा। दुख हमको, आपको, सबको होना चाहिए। और ध्यान रखना, सुखी होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सुखी लोग भगवान को याद नहीं करते, बुलाए जाते। गौर करिए, जब आपके घर में संपन्नता सुख आ जाता है तो भगवान की याद आती है, क्या कहा बताओ, इतना काम बा फुर्सते नबा। लेकिन जैसे नर्सिंग होम में पहुंचता है आदमी, बस एक ही बात, बस महाराज आपकी कथा जो है ना, ये टीवी खुली ही रहती है, समझ लो की काहे भरती है। अबे निकलो फिर देखो तमाशा। हाय हाय, दुख में भगवान का स्मरण आता है। दुख हो, लेकिन किसी के पास दुख हो उसको बांट लीजिए, बांट लीजिए। अरे हमारा तो कोई है ही नहीं, आओ मोहल्ले में पड़ोसी, अरे स्थिति ये है, अपने बगल के घर में कौन रहता है लोगों को पता नहीं। थोड़ा निकलिए, थोड़ा मिलिए, एक दूसरे को समझिए। लोग कहते हैं समय बदल गया, नहीं, हम बदल गए। मेरी सभी आप भागवत जनों से प्रार्थना है, एक दूसरे को समझिए। ये जो मशीन है ना, कान फुरवा मशीन, इससे थोड़ा दूर होइए। ये कान फुरवा मशीन ने बड़ा नुकसान किया संबंधों का,
चिट्ठी पत्री कुछ दिन में पोस्टल विभाग बंदे समझो। पहले चिट्ठी भी आती जाती थी, वो भी समाप्त हो गई, कोई लिखता ही नहीं। कार्ड तो भैया वो प्राइवेट कोरियर ले गया, कितने लोगों का क्या हो गया। पोस्ट कार्ड आते थे, अंतर्देशी पत्र आता था, अरे लिफाफा बंद करके आता था, सब समाप्त हो गया। उसी से फुर से मैसेज चला जा रहा है। अरे थोड़ा मिला जुला करिए, केवल टेलीफोनिक न रहिए। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, हम न आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो, आते जाते रहा करिए, एक दूसरे से मिलिए। मोबाइल मत करिए, ना ना, राम राम राम, फुर्सत पाके रिश्ते नाते संहारा करो भाई, यही तो जीवन है ना, ये जीने का ढंग है। ये कथा हम आए आप सुने, राम जी के प्रति प्रीति हमारी आपकी दृढ़ भई, सरकार ने मंगल मनाकर माताओं को, गुरुजनों को, गुरु माँ को सब विदा किया। क्यों? इंद्र जी ने उच्चाटन कर दिया, भगवान का भाव देखकर सभी मधुर भाव में नेत्र अश्रुपूरित भाव लेकर और यहाँ से विदा हो रहे हैं। सबको प्रणाम करके श्रेष्ठ जनों को भगवान ने विदा दिया, पितर को आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष के नीचे बैठकर निज आश्रम पर भगवान भरत जी के प्रेम में बेहवल होकर अश्रु बहा रहे हैं। सियाजू और लखनलाल को बुरा न लगे, अन्यथा न हो, भगवान ने अपने को संभाला, दिनचर्या में सिद्ध हुए। यहाँ से समाज चला श्री अवध आया, राज सिंहासन पर पादुका पधराई गई। गुरु आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम में पुरसा भर धरती खुदवाकर और कुसा की चटाई बिछाकर वहां रहने लगे। राम जी वन में हैं, भरत जी अवध में हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।